रंग बसदा पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर के सिखों के लिए करतारपुर राहदारी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में इंडिया से भी एक डेलीगेशन ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, हरदिल अजीज, नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय फिल्म स्टार सनी देओल और भारतीय पंजाब के वज़ीर-ए-आला समेत सिख यात्रियों ने शिरकत की। दरबार साहब करतारपुर को दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा होने का एजाज मिल गया। 102 एकड़ पर मुश्तमिल इस गुरुद्वारे में म्यूजियम, अस्तहान साहब और लंगर खाना शामिल है। दरबार साहब करतारपुर कॉम्प्लेक्स का सफेद कलर मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। इंडिया से रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 हज़ार यात्री दरबार साहब करतारपुर के दर्शन के लिए आएंगे। इनकी सुबह 7 बजे एंट्री होगी और शाम तक वापसी होगी। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के इस तोहफे पर बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं। भारत से आए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी तकरीर का आगाज अपने शेरी अंदाज से किया। नवजोत सिंह सिद्धू इफ्तिताही तकरीब पर काफी जज्बाती नजर आए। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया दिन खास है। तकरीब से खिताब करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 14 करोड़ सिख कौम पर इमरान खान ने बहुत बड़ा एहसान किया है। इमरान खान साहब, सिख कौम ने जहां पर आपको लेकर जाना है वहां तक आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। ए सिख कौम, योद्धियां दी कौम, लंबरदारां दी कौम, ताकतवर लोकां दी कौम, मैं कहना खान साहब मेरी गल याद रखना, ए मैं जे डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा, इस सिख कौम ने जिथे थोनू ले जाना है थोड़ी सोच नहीं जांदी, उत्थे लिख लो मेरी गल, थोड़े माउथपीस बन के नगाड़े बजाणगे, गगन दमामे बजाणगे हे, और कहणगे कि जो कृत तुसी कीता है, उन्हां दी जबानी कहना, ओ मेरी इस जबान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है, ते सुनो की कहंदे है, ओ तेरी मुहब्बत, तेरी मुरव्वत, तेरे प्यार दे तोहफे बदले मेरे कोल ता सब तो महंगी एहो शह है, मैं शुकराना लेके आया हां, मैं शुकराना लेके आया हां, महंगा यारा सोनिया खाना, दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातर दिल नजराना लेके आया हां, दिल नजराना लेके आया। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी सिख कौम की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने करतारपुर राहदारी खोलकर सिख कौम को एक अजीम तोहफा दिया और दुनिया की पूरी सिख कौम के दिल जीत लिए। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिख बरादरी को गुरु नानक देव जी का 550 साल की सालगिरह की आप सबको मुबारक देता हूं। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों को तोहफा दिया है। सिद्धू ने मुझे कहा था कि बॉर्डर खोल दो और हमने बॉर्डर खोल दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि करतारपुर दरबार साहब की इतनी ज्यादा अहमियत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि तमाम पैगंबरों ने इंसाफ और इंसानियत की बात, बाबा गुरु नानक के फलसफे में भी इंसानियत है, हमारा रब सारे इंसानों का खुदा है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। हम मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, सारे इंसानों का खुदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लाने वाले, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि लीडर इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता। मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज भी दावत देता हूँ, मिल बैठकर मसला कश्मीर को हल किया जा सकता है, एक इंसानियत का और दूसरा इंसाफ का, ये दो चीजें इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से फर्क करती है।
لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ نوجوت سدھو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے، تجارت شروع ہو جائے، سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے۔ دربار صاحب کرتارپور راہداری کے افتتاح کے بعد بھارتی سکھ یاتری روزانہ کی بنیاد پر درشن کے لیے آ سکیں گے۔ علی رضا، آفتاب نیوز، لاہور۔ اہلاً و سہلاً مرحباً۔